ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सब ये कहते हैं कि ये जो सरस्वती हैं जिनकी पूजा भागवतम के शुरू में की जा रही है, वो सरस्वती दैवी सरस्वती है, स्पिरिचुअल सरस्वती है, जो हैं लक्ष्मी जी या श्रीमती राधा रानी, हमारी सरस्वती, इस भौतिक जगत की सरस्वती नहीं है। जब लक्ष्मी की बात करते हैं तो फिर विष्णु प्रिया जी का स्मरण आता है। आज विष्णु प्रिया जी का अपीयरेंस डे है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आज बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव और तिरुभाव भी है, वो भी है। रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव है, रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव, आई थिंक आविर्भाव है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है। विष्णुप्रिया जी को, विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसी कैरेक्टर हैं जो कि ऐसा रोल प्ले किया है कि गौड़िया वैष्णव समाज को विष्णुप्रिया जी ने यूनियन एंड सेपरेशन सिखाया है। जो 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 सीता माँ ने रामायण में सिखाया था, वही विप्रिया जी ने चैतन्य महाप्रभु की लीला में सिखाया है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि एक बार रामचंद्र और सीता देवी जब वनवास में थे तो वो एक बार चलते चलते नवद्वीप पहुँचे, बंगाल। भक्तिविनोद ठाकुर अपने नवद्वीप महात्मा में लिख रहे हैं। तो वहाँ पे रामचंद्र जी जब और सीता देवी रेस्ट कर रहे थे तो रामचंद्र भगवान हंसने लगे। तो श्री राम जी ने, तो सीता देवी ने पूछा आप हंस क्यों रहे, तो राम तो श्री श्री रामचंद्र जी ने बोला कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं कलयुग में गौरंग महाप्रभु के अवतार में आऊँगा और वहाँ पे लेके नाम संकीर्तन का प्रचार करूँगा और सबको प्रेम बांटूंगा, मगर जवानी में ही मैं संन्यास ले लूँगा और संन्यास के बाद मेरी पत्नी विडो विधवा हो जाएगी और वो तुम होगी जिनका नाम विष्णु प्रिया होगा। सो ये कहा जाता है कि विष्णु प्रिया जी जो क्योंकि राम भगवान ने अपने अपने रामलीला में शपथ ली थी कि क्या कहते हैं आपका, तो एक पत्नी व्रत की शपथ, मतलब आई मीन टू से आफ्टर ऑल ही वॉज अ किंग, किंग थे, किंग तो एक दो तीन चार शादी तो कर ही सकते हैं, जैसे मतलब राम भगवान के खुद के फादर जी का कह रहा हूँ, मतलब फादर कौन थे, हाँ तो दशरथ ने तीन शादियाँ की थी, कैकेयी, कौशल्या और कौन थी, सुमित्रा, सुमित्रा के लक्ष्मण जी थे। तो राम भगवान भी कर सकते थे, मगर राम भगवान ने शपथ ली थी एक पत्नी व्रत की, ये दिखाने के लिए कि उनका प्रेम सीता के लिए अनन्य है। तो उसी का ऋण जो सीता माँ पे चढ़ गया था, वही उन्होंने विष्णु प्रिया के अवतार में चुकाया। जब चतर बिल्कुल जवानी में 24 साल की उम्र में, प्रभुपाद जी अपने लेटर में लिख रहे हैं उस टाइम विष्णु प्रिया जी 16 साल की थी केवल, और उस टाइम महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। तो उस टाइम वो, उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप कर रही थी, एक सबसे पहले तो पिक्चर बना के उसके बाद डीटीज बना के वर्शिप की, डीटीज आज भी मैं बताऊंगा बाद में, और उन्होंने उन पिक्चर की भगवान का नाम लेके हरे कृष्णा मंत्र लेके वर्शिप की उस अवतार की, और उस अवतार में उन्होंने उन्होंने राम भगवान के अवतार में जो उन पर ऋण चढ़ गया था सीता माँ का, वो उन्होंने उतारा, ऐसा भी कहा जाता है। एनीवे विष्णु प्रिया कौन थी है? विष्णु प्रिया जी को विष्णु प्रिया देवी भी कहते हैं। एक्चुअली चैतन्य चरितमृता में कृष्णा कविराज गोस्वामी विष्णु प्रिया जी को विष्णु प्रिया ठाकुरानी कहते हैं, इस तरह से एड्रेस करते हैं, विष्णु प्रिया ठाकुरानी। और आई थिंक जितने भी गौड़िया वैष्णव लिटरेचर्स हैं उसमें विष्णु प्रिया ठाकुरानी के नाम से ही एड्रेस्ड हैं विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया देवी तो कम एड्रेस्ड हैं,
इस नाम से विष्णुप्रिया ठाकुरानी ज़्यादा ज़्यादा हमारे आचार्यों ने जो भी एड्रेस किया उनको। तो और विष्णुप्रिया जी की जो लाइफ हिस्ट्री वो कहाँ से पता लगती है? बेसिकली चैतन्य चरितमृता में तो बहुत कम है विष्णुप्रिया जी के बारे में, कुछ है ही नहीं ऑलमोस्ट। चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल्स में, चैतन्य चरितमृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ज़्यादा डिटेल्स इंक्लूड नहीं की विष्णुप्रिया जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा चैतन्य भागवत में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इनफैक्ट आदि लीला में उन्होंने और मध्य लीला में उन्होंने कुछ काफ़ी पास टाइम्स उन्होंने एक एक लाइन में लिख दिया और बोल दिया अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो चैतन्य भागवत पढ़ो वृंदावन दास ठाकुर की। तो इसलिए चैतन्य चरितमृता अगर आप पढ़ लेंगे और चैतन्य भागवत नहीं पढ़ेंगे तो कंप्लीट स्टडी नहीं है चैतन्य महाप्रभु की। कृष्णदास कविराज स्वामी खुद रेफर कर रहे हैं कि ओके अगर अगर आप विष्णुप्रिया के बारे में पढ़ना है तो रेफर चैतन्य भागवत, आप चंद्रशेखर आचार्य के बारे में पढ़ना चाहते हो रेफर चैतन्य भागवत, आप निमाय के चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स के पढ़ना चाहते हो और डिटेल में चैतन्य भागवत पढ़ो। इसलिए चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृता एक साथ ही चलती है, जब भी चलती है तो एक दूसरे की पूरक हैं। तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया। डिटेल चैतन्य भागवत में विष्णुप्रिया जी कौन थी, उनकी शादी कैसे हुई महाप्रभु से, वो बहुत डिटेल्स में उनके जो विवाह है महाप्रभु के साथ, और वो जो डिटेल जो मेंशन है उसका एक बहुत साइड इफेक्ट भी है, वो भी बताऊंगा मैं। बहुत अच्छा तो लगता है बहुत डिटेल्स में मगर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है और वो बताऊंगा मैं भी थोड़ी देर में। और तीसरा जो सोर्स है विष्णुप्रिया के बारे में वो है भक्ति रत्नाकर, जिसमें श्रीनिवास आचार्य जी विष्णुप्रिया जी से मिले, उनके ड्रीम्स में विष्णुप्रिया आई, विष्णुप्रिया महाप्रभु और लक्ष्मीप्रिया आई, जिस 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 ड्रीम के बेसिस पे भक्ति विनोद ठाकुर ने जो योगपीठ पे जो मंदिर एस्टैब्लिश किया है गौरंग महाप्रभु और विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया, एक तरफ विष्णुप्रिया एक तरफ लक्ष्मीप्रिया, बीच में गौर नारायण है, वो जो डीटीज और वो जो ऑल्टर सेटअप है वो भक्ति रत्नाकर के अकॉर्डिंग है। अद्वैत प्रकाश ईशान ठाकुर उन्होंने बुक लिखी है, उसमें विष्णुप्रिया जी के बारे में बहुत कुछ मैंशनड है। और कई आचार्यों ने पद्यावली लिखी है, वैष्णव सॉन्ग्स लिखे हैं, इस जिसमें उन्होंने विष्णुप्रिया के बारे में मेंशन किया है। कौन से आचार्य? जैसे वासुदेव घोष तो आपको पता ही है, नरहरि सरकार ठाकुर, राधा मोहन और परमानंद, और उसके बाद कौन है आपके, प्रेमानंद, वंशीवदन, ये सारे जो आचार्य उन्होंने वैष्णव पद्यावली लिखी है, सॉन्ग्स लिखे हैं विष्णुप्रिया पे। ये सारे सोर्सेज हैं, मगर इन सारे सोर्सेज को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि चैतन्य भागवत में जो डिस्क्रिप्शन है उसको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। आप नेट पर तो जाओगे, आप वैष्णव सॉन्ग्स देख लोगे विष्णुप्रिया जी के, पढ़ लोगे, मेरे पास एक किताब भी है अभी तो गंभीरा में विष्णुप्रिया। तो कुछ लोग ऐसे आए बाद में महाप्रभु के बाद जिन्होंने एक सेक्ट शुरू किया जिसको कहते हैं गौरांग नागरी या नदिया नागरी। शिला प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं अपने चैतन्य चरित पपट में भक्ति संदेश कोट करते हुए कि जो गौरांग नागरी जो नदिया नागरी है, इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया है महाप्रभु की वर्षिप का, इन्होंने विष्णुप्रिया की पूजा शुरू कर दी और मैगजीन भी शुरू कर दी थी विष्णुप्रिया, जिसमें इन्होंने विष्णुप्रिया के लिए सॉन्ग लिखना शुरू कर दिए, विष्णुप्रिया की पूजा स्टार्ट कर दी, विष्णुप्रिया के विरह के बारे में चर्चा शुरू कर दी, कहीं वैष्णव पद्यावली बन गई, नरहरि सरकार ठाकुर के कई सॉन्ग्स आ गए। अब वो सॉन्ग्स डेफिनेटली नरहरि सरकार ठाकुर ने नहीं लिखे होंगे, क्योंकि नरहरि सरकार ठाकुर तो और इस फिलॉसफी में बिलीव ही नहीं करते थे, मगर उनके नाम पे फोर्स्ड सॉन्ग्स गलत सॉन्ग्स लिख दिए गए। तो ये जो गौरांग नागरी वाले हैं, इन्होंने विष्णुप्रिया की पूजा शुरू की जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, गौड़िया वैष्णव एक्सेप्ट नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं कि विष्णुप्रिया पूजनीय नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर अपने वाणी वैभव में लिख रहे हैं कि विष्णुप्रिया जी की जो पूजा नहीं करेगा वो गौड़िया वैष्णव है ही नहीं। मगर विष्णुप्रिया जिस मेथड से पूजा कर रही थी महाप्रभु की, वो मेथड हम फॉलो नहीं करते, मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट। जो जो जिस तरह से वो वर्शिप करती थी चैतन्य महाप्रभु की, हमारा मेथड नहीं है, और ना ही विष्णुप्रिया कोई सेपरेट वर्शिपेबल डिटीज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गौरांग नागरी ने किया।
गौरांग नागरियों ने एक और बात कही जो बहुत ही उठपटांग थी, जिसके अगेंस्ट भक्ति सांसद सरस्वती ठाकुर ने बहुत डिटेल्स में मेंशन किया है। वो कहते हैं विष्णु प्रिया श्रीमती राधा रानी का अवतार थी, और दैट्स एब्सर्ड, क्योंकि विष्णु प्रिया कौन थी? विष्णु प्रिया भगवान विष्णु की तीन शक्तियां हैं, एक है श्री, एक है भू और एक है नीला। ये तो श्री वैष्णव संप्रदाय में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको पता लग जाएगा। श्री भू नीला, तो श्री शक्ति है वो चैतन्य, तो भगवान विष्णु तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही आए हैं, मतलब विष्णु नहीं, कृष्णा आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जो भगवान विष्णु की शक्तियां हैं, श्री शक्ति लक्ष्मी प्रिया जी के रूप में आई है। लक्ष्मी प्रिया चैतन्य महाप्रभु की फर्स्ट वाइफ थी, और भू शक्ति विष्णु प्रिया के रूप में आई है, जो चैतन्य महाप्रभु की सेकेंड वाइफ है। और नीला शक्ति नवदीप धाम है, वो नवदीप धाम के रूप में प्रकट हुए। तो ये कहना कि विष्णु प्रिया जी राधा रानी बिल्कुल गलत है। विष्णु प्रिया जी भू शक्ति हैं, भू शक्ति मतलब सत्यभामा। इनफैक्ट विष्णु प्रिया जी के जो फादर थे सनातन मिश्रा, वो सत्राजीत के अवतार है। पिछले जन्म में सत्राजीत सत्यभामा जी के फादर थे ना, तो सत्यभामा जी के अवतार है। तो ये जो शक्तियां हैं विष्णु जी की, ये भगवान कृष्ण और राधा की सेवा करने आई है। तो चैतन्य प्रभु खुद राधा कृष्णा नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य, तो राधा कृष्ण की सेवा करने आई है। जिस प्रकार विष्णु की शक्तियां राधा राधा कृष्ण की सेवा करने आई है, उसी प्रकार विष्णु भगवान भी चैतन्य प्रभु की सेवा करने आए थे। किस रूप में? अद्वैताचार्य महाविष्णु सदाशिव के अवतार। तो इसलिए ये जो, तो गौरांग नागरी वाले कहते हैं कि विष्णु प्रिया श्रीमती राधा रानी थी, और उनका जो रिलेशनशिप है महाप्रभु से वो हस्बैंड वाइफ का है, मतलब माधुर्य भाव का है। वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, हालांकि प्राकृतिक दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बट स्पिरिचुअल दृष्टि में विष्णु प्रिया जी चैतन्य महाप्रभु की दासी हैं, दास्य भाव में है, माधुर्य भाव में नहीं है। वो दास्य भाव का रिलेशनशिप है। बहुत बड़ा डिफरेंस है गौरांग नागरी और हमारे में। इनफैक्ट इतना बड़ा डिफरेंस है कि गौरांग नागरी और भक्ति सरस्वती ठाकुर में लड़ाई हो गई थी। वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ये आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और उन्होंने भक्ति ने फिर उनको पूरा ही हरा दिया, और फिर वो लोग माफ़ी भी मांगने आए कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा वेल तुमने तो गड़बड़ी कर दिया पूरी, गलत सिद्धांत फैला दिए, करोड़ों सॉन्ग्स लिख दिए विष्णुप्रिया का माधुर्य रस महाप्रभु के साथ। सो ये सब गौरांग नागरी वाले। इसलिए चैतन्य भागवत का जो इंसिडेंस है डिटेल में, मैरिज हुई है विष्णुप्रिया की, उसका साइड इफेक्ट है कि उन्होंने सोचा कि ये तो माधुर्य भाव का रिलेशनशिप है, वो गलत है, हम नहीं मानते। विष्णु प्रिया जी के बारे में और डिटेल्स हमें मिलती है तो जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित से, क्योंकि जगदानंद पंडित भी नवदीप जाते थे, दामोदर पंडित भी नवदीप जाते थे, पूरी आते थे, तो इन्फॉर्मेशन लेके आते थे महाप्रभु, कैसे महाप्रभु की इन्फॉर्मेशन वहाँ देने जाते थे। कुछ सहिज्य लोग ऐसा कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद विष्णु प्रिया उनसे मिली थी। बिल्कुल गलत है कहना, क्योंकि चैतन्य मंगल में आता है कि महाप्रभु विष्णु प्रिया जी के बारे में सुनना भी नहीं चाहते थे संन्यास के बाद, मिलने की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा प्रकृति ना दर्शन, मैं प्रकृति के दर्शन ही नहीं, दर्शन क्या, सुनना भी नहीं चाहता मैं, प्रकृति मतलब स्त्रियों के बारे में, क्योंकि संन्यास आश्रम में थे ना। तो विष्णु प्रिया ऐसी डिवोटी हैं पूरी महाप्रभु की लीला में जो महाप्रभु से मिल नहीं पाई संन्यास के बाद। सारे डिवोटीज मिले संन्यास के बाद, सची माँ भी मिली। इनफैक्ट वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि सारे डिवोटीज नवदीप के ही कह रहे थे कि विष्णु प्रिया का कितना सौभाग्य है कि उनको महाप्रभु प्राप्त हुए, और कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि महाप्रभु हमेशा के लिए छूट गए, और ये दोनों साथ में कैसे हमें नहीं पता। ये चैतन्य मंगल में लिखने लोचनदास ठाकुर एक सॉन्ग में, ऑफकोर्स उनका कोई दुर्भाग्य नहीं था, बट विष्णु प्रिया के बारे में आप सोचो तो वो कितना ज़्यादा दुख में और कितना ज़्यादा विरह में रही होंगी कि वो महाप्रभु से मिल नहीं पाए। चैतन्य प्रभु शांतिपुर में आए थे संन्यास के बाद, सच्ची माँ गई थी, विष्णु प्रिया नहीं जा पाई। इनफैक्ट जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, संन्यास के बाद कटवा चले गए, कटवा के बाद तीन चार दिन राढ़ देश में घूमते रहे, उसके बाद शांतिपुर आ गए,
तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोला कि जाके नवदीप वालों वासियों को लेके आओ मेरे पास शांतिपुर, वो मरने वाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु गए सची माँ के पास, सची माँ से बोला चलो निमाय आ गया है। तो सची माँ ने कहा हाँ चलो चलो चलो, वो पैक करके निकलने वाले थे, उन्होंने कहा विष्णु प्रिया उसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा विष्णु प्रिया तुम भी चलो। तो नित्यानंद प्रभु बहुत उसमें पड़ गए क्या कहते हाँ असमंजस धर्म संकट में कि विष्णु प्रिया को मना कैसे करूँ मैं। और सची माँ कह रहे चलो चलो जल्दी करो तुम भी पैक करो निमाय आ गया है। तो नित्यानंद प्रभु ने एकदम से फिर हाथ करके कहा नहीं विष्णु प्रिया नहीं जा सकती। और विष्णु प्रिया समझ गई, विष्णु प्रिया खुद समझ गई कि संन्यास के बाद वो मिलेंगी तो बहुत बड़ा लांछन आएगा। तो वो तो विष्णु प्रिया जी रुक गई, और बाद में महाप्रभु ने अपनी स्लीपर्स दी थी विष्णु प्रिया जी के लिए कि वो महाप्रभु के जो खड़ा हुए हैं उनको लेके उसको वर्शिप करें, जैसे राम भगवान ने भरत को दी थी अपनी खड़ाऊ, महाप्रभु ने अपनी खड़ाऊ विष्णु प्रिया जी को दी वहाँ पे वर्शिप करने के लिए। वह इतना ही रोल रहा, बाकी विष्णु प्रिया कभी नहीं मिली। और ना मिलने से विष्णु प्रिया जी का विरह इतना इंटेंस हो गया कि विष्णु प्रिया जी हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में विरह की मूर्ति बन गई। विरह में भजन कैसे होता है वो उन्होंने सिखाया। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि हमें महाप्रभु की तो कि हमें गौरांग नागरियों की तरह वर्शिप करना है विष्णु प्रिया महाप्रभु को, ये नहीं सिखाया, मगर उन्होंने सिखाया कि विरह में भजन कैसे होता है। तो विष्णु प्रिया जी एक्चुअली जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, चैतन्य प्रभु की फर्स्ट वाइफ तो लक्ष्मी प्रिया थी, जब तो चैतन्य प्रभु जब प्रीचिंग करने का गया में, तो गया में जब गए और वहाँ से लौट के आए तो ऐसा आचार्य लिखते हैं कि लक्ष्मी प्रिया जी को सांप ने काट लिया था, वो मर गई। मगर एक्चुअली कमेंटेटर्स लिखते हैं कि सांप ने नहीं काटा था, वो विरहे में जो विरहे का सांप था उसने काट लिया था। और वो महाप्रभु के विरहे के दुख में उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। तो जब महाप्रभु आए तो सची देवी बहुत दुखी थी, तो उन्होंने कहा तुम दूसरी शादी कर लो, तो विष्णु प्रिया से शादी हो गई। विष्णु प्रिया जी के फादर थे सनातन मिश्रा, और शादी कराने वाले जो थे बीच के जो वो होते ना बिछोले, क्या कहते हैं उसको, ब्रोकर ब्रोकर थोड़ा क्या कहते थे दोनों, हाँ पहले जाने में क्या कहते थे जो शादी कराते थे, भाटा भाटा घटक 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 बंगाल में घटक घटक। तो जो घटक थे जो शादी कराने वाले थे और जो फाइनेंस करने वाले थे वो थे बुद्धिमंत खान, सीसी में आता ही वॉज अ वेरी डिवोट फॉलोअर। बुद्धिमंत खान ने पूरा फाइनेंस किया था, शादी अरेंज कराई थी। तो लक्ष्मी प्रिया जी की शादी हुई उनकी, लक्ष्मी प्रिया जी 16 ईयर्स के, महाप्रभु 24 ईयर्स, सो 8 साल का डिफरेंस। प्रभुपाल लिख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में 8 से 10 साल का डिफरेंस अलाउड है, आजकल नहीं मानते ऐसा नहीं कि 8 से 10 साल हो इतना बड़ा, आजकल तो बस 1-2 साल ऊपर नीचे हो तो ठीक है, बट 8 से 10 साल कह रहे हैं अलाउड है। तो वहाँ पर शादी हुई, और फिर उसके बाद शादी के बाद लक्ष्मी प्रिया जी घर में आ गई, और शादी होते ही चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरी लीला की, केशव कश्मीरी जी को हराया। ये चैतन्य चरितमृत में आई थिंक आदि लीला में शुरू में इंसिडेंट्स आ रहा है, उसी चैप्टर में आ रहा है। विष्णु प्रिया की शादी हुई यहाँ पर, वहाँ पे केशव कश्मीरी जी को हराया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केशव कश्मीरी जी के आराध्य कौन है, सरस्वती, और सरस्वती जो है वो लक्ष्मी जी की एक्सपेंशन ही है, हमें पता ही है, और साक्षात लक्ष्मी देवी महाप्रभु की वाइफ उनको कैसे हरा देंगे वो, और साक्षात नारायण। चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया जी को जब हम एड्रेस करते हैं तो हम बोलते हैं गौर नारायण और विष्णु प्रिया ठाकुरानी, क्योंकि महाप्रभु और विष्णु प्रिया जी की वर्षे वैदिक भक्ति में होती है, और रागनों का भक्ति में गौर गदाधार की भक्ति होती है, वहाँ पर गौर नारायण नहीं कहा जाता, वहां पे गौर गदाधर कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि वैदिक भक्ति में राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण की तरह पूजा करनी चाहिए, यही कहा था ना। विष्णु प्रिया जी अगर फिलोसफिकली बोलें पूछें तो कौन थी, संवित और हलादिनी शक्ति का मिक्सचर है, भक्तिवनोद ठाकुर लिख रहे हैं अपनी बुक में, संवित और हलादिनी शक्ति मिल के विष्णु प्रिया जी हैं, क्योंकि लक्ष्मी देवी हैं इनफैक्ट, वो तो चलो भू शक्ति है, संवित और हलादिनी। तो महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया तो चैतन्य महाप्रभु
उस टाइम कहाँ रहते थे, तो चैतन्य उस टाइम अंतरद्वीप में रहते थे, उनका घर वहीं था। तो संन्यास लेने के लिए पास में एक द्वीप है रुद्रद्वीप, तो वहाँ पे गंगा जी का घाट है। वो वहाँ पे गए और रुद्रद्वीप में गंगा जी के घाट से वो जंप करके स्विम करके गंगा जी से कटवा में चले गए। वो जो घाट है आज उसका नाम है निर्दय, निर्दय बोला जाता है, निर्दय घाट। क्यों? क्योंकि ऑल दो चैतन्य, मतलब चैतन्य मंगल में लिख रहे हैं, चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं, ऑल दो महाप्रभु नमो महावदन्याय है, दया के अवतार है, महान दया महावदन्याय, मगर इस केस में उन्होंने निर्दय हो गए, उन्होंने कृपा नहीं की। किस पे नहीं की? विष्णु प्रिया जी, इनफैक्ट और सची माँ। तो पूरी महाप्रभु की पूरी लीला में महाप्रभु ने सब पे दया की, बस एक करेक्टर पे दया नहीं की, विष्णु प्रिया जी पे, एक्सटर्नली देखा जाए। मगर विष्णु, जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था, विष्णु प्रिया ने खाना पीना छोड़ दिया था, और सची माँ ने भी, तो खाना पीना छोड़ दिया, तो आकाशवाणी हुई कि विष्णु प्रिया तुम प्रसाद लो और तुम मेरी डीटीज बनाओ वहाँ नीम के पेड़ से, और उसमें मेरी पूजा करो, और जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो विष्णु प्रिया जी ने उसके बाद डीटीज बनाई नीम के पेड़ से वहीं पे। तो एक्चुअली उस नीम के पेड़ से 3 डीटीज बनाई थी, एक डीटीज अपने पास रखी थी उन्होंने, जो जो आज भी वो है। तो विष्णु प्रिया जी और सची माँ के जो जो सर्वेंट थे उनका नाम था वंशी वदन ठाकुर। तो नवदीप मायापुर में एक महाप्रभु के बहुत बड़े डिवोटी थे, माधव, माधव दास, माधव, तो माधव चट्टोपाध्याय। उस माधव चट्टोपाध्याय के बेटे थे वंशी वदन ठाकुर, जो कृष्ण भगवान के मुरली के अवतार है, और ये विष्णु प्रिया और सची माँ के सर्वेंट थे। और एक और सर्वेंट थे ईशान, तो ये दोनों रहते थे, सर सेवा करते थे इनकी। तो आज जो विष्णु प्रिया जी जो डीटीज बना के जो सेवा करती थी, उन डीटीज की सेवा कैसे करती थी बताऊंगा, बट सेवा, भोग चढ़ाना, सेवा करना, और वो आज डीटीज कहाँ हैं? वो आज मायापुर में नहीं है, वो आज तो कोला द्वीप में शिफ्ट हो गई हैं। तो विष्णु प्रिया और सची माँ के जाने के बाद जो जो वंशी बदन ठाकुर हैं उन्होंने डीटीज मायापुर से कोला द्वीप में शिफ्ट कर दी थी, इसलिए आज आप विष्णु प्रिया जी का जो मंदिर है, जो महाप्रभु की ड्यूटीज हैं, वो तो एक्चुअली कोला द्वीप में। तो कोला द्वीप में आप रिक्शा वाले से बोलो कि मुझे विष्णु प्रिया जाना है, विष्णु प्रिया स्टेशन का नाम ही है, तो वहाँ लेके जाएगा, वहाँ पे ड्यूटीज हैं उनकी, बहुत बड़ी सुंदर सी माया की। तो ये जो सर्वेंट्स है वंशी वदन, ईशान और विष्णु प्रिया जी की दो फ्रेंड्स भी थी, दो मेड सर्वेंट्स, उनका नाम था अमिता और कांचन। जैसे महाप्रभु के साथ रामानंद राय स्वरूप दामोदर थे, इनके साथ अमिता और कांचन थी, इनकी सखियाँ होंगी। तो वो विष्णु प्रिया जी की सेवा करती थी और विष्णु प्रिया को सांत्वना देती थी। विष्णु प्रिया जी जब महाप्रभु चलेगा संन्यास लेके, विष्णु प्रिया जी यहाँ पर अपना महाप्रभु की सेवा कर रही हैं ड्यूटीज बनाकर। सेवा कैसे करती थी? शिला प्रभुपा लिख रहे हैं कि पूरे दिन में वो तो मतलब हरे कृष्ण मंत्र तो जपती थी, मगर जब एक माला पूरा करती थी तो एक चावल का दाना उठा के साइड में रखती, फिर दूसरा माला, दूसरा चावल का दाना। तो शाम तक जितने भी चावल के दाने होते थे उनसे चावल बनाकर आधा खुद लेती थी, आधा ईशान को देती थी। कितना होगा एक माला पे एक दाना? पता नहीं, मतलब शाम तक कितनी माला होंगी, हर मन के पे शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं एक माला। हाँ मैंने चेक किया, 1 राउंड 1 राइस ग्रेन। पता नहीं कितने कितने, कोई भी चावल के दाने कुछ भी नहीं होंगे, वो तो क्या है, कितने से ही तो होंगे, 60-70 चावल के दाने। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तो एक मंत्र पे एक दाना रखती थी, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे, एक दाना, तो उससे फिर काफ़ी थोड़े हो जाएंगे, नहीं बट एनी वे, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर इट इज़, उनकी जो ऑस्टेरिटी थी, मतलब चैतन्य ऐसा कहा था, महाप्रभु ने संन्यास लिया मगर महाप्रभु से बड़ी सन्यासी विष्णु प्रिया बन गई। इतना कम खाना पूरे दिन में, वो भी आधा बाढ़ देना,
उससे बड़े सन्यासी कौन होगी। और तो सुबह सुबह विष्णुप्रिया बस गंगा जी में स्नान करने जाती थी और पूरे दिन घर में रहती थी। प्लस प्लस सची माँ की टेक केयर करना, अपने आप को तो संभालना ही एक प्रोजेक्ट था, सची माँ की टेक केयर करना, वो भी सची माँ भी पूरे दिन रोती रहती थी बस। इनफैक्ट तो इनफैक्ट जब विष्णुप्रिया जी महाप्रभु की पूजा करती थी तो और जप करती थी तो उनकी आंखों में आंसू आते रहते थे, और वो अपने आंसुओं को कोसती रहती थी कि तुम क्यों आ रहे हो, क्योंकि मैं उनको महाप्रभु को देख नहीं पा रही, इसलिए तुम प्रतिकूल हो, यहाँ से चले जाओ। ऐसे भी सॉन्ग्स हैं विष्णुप्रिया जी के। विष्णुप्रिया जी से जो भी मिला उसके बाद, एक्चुअली विष्णुप्रिया जी ऑलमोस्ट गौड़िया वैष्णव समाज की एक क्या कहते हैं एक तो एक मतलब तो मतलब एटलीस्ट आपके नवदीप मायापुर में जितने भी गौड़िया वैष्णव समाज की, विष्णुप्रिया जी एक हेड ही बन गई थी, ऑलमोस्ट हेड और एक रोल मॉडल कि भजन कैसे किया जाता है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, सरम भट्टाचार्य वैराग्य क्या है महाप्रभु की लीला में विष्णुप्रिया जी ने दिखाया। असंभव है करना, ऐसा नहीं, चावल थोड़े से बनाना खा लेना, वो भी आधे बांट देना। और ये वैराग्य कहाँ से प्रकट हो रहा था? ये वैराग्य विरह से अनुभव प्रकट हो रहा था, उनके प्रेम से, जो चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम था उनका। अब विष्णुप्रिया जी जब महाप्रभु चले गए और अपने पास टाइम सेंड कर दी, तो उसके बाद विष्णुप्रिया जी से श्रीनिवास आचार्य मिले, उन्होंने ब्लेसिंग्स ली। आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर भी मिले थे, भूल गया मैं, नरोत्तम दास ठाकुर भी शायद मिले विष्णुप्रिया जी से, उन्होंने भी ब्लेसिंग्स ली थी नरोत्तम दास ठाकुर ने। विष्णुप्रिया और जाह्नवी देवी, वो लोग गौड़िया वैष्णव समाज की प्रैक्टिकली हेड बन गए थे, मतलब गौरंग देरा शक्ति और नित्यानंद शक्ति। मतलब सबसे पहले, मतलब मैं सोचा था कि फेज वन में महाप्रभु की लीला में शक्तिमान हेड थे, फेज टू में शक्ति हेड बन गई शक्ति शक्ति में, क्योंकि जानवा देवी, विष्णुप्रिया, वहाँ वृंदावन में हेमलता ठाकुरानी, कृष्ण प्रिया, सारी शक्तियाँ आ गई फीमेल्स आ गई थी। और इसीलिए जितने भी जो फीमेल गुरु मूवमेंट नहीं चल रहा हमारा, FDG फीमेल दीक्षा गुरु, वही कहते हैं देखो अभी फीमेल गुरुज भी थी, फीमेल भी हेड थी, तो हम भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। मगर वो भूल गए कि ये लोग कौन थे, ये लक्ष्मी है, वो नित्यानंद की शक्ति है, कोई ऑर्डनरी फीमेल्स नहीं है ये। और इनका कोई कोई शौक भी नहीं था हेड बनने का, पॉइंट भी तो ये है, कोई शौक भी नहीं था तो। और विष्णुप्रिया जी जो थी, जो उसके बाद ऑलमोस्ट तो अभिराम ठाकुर भी विष्णुप्रिया जी के पास आए थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो विष्णुप्रिया जी की लाइफ पे किसी ने कुछ कुछ तो कुछ बायोग्राफी लिखी नहीं विष्णुप्रिया जी की लाइफ पे, हालांकि ईशान ठाकुर थे वो लिख सकते थे, वंशी वदन ठाकुर, उन्होंने लिखी नहीं किसी ने उसका। मुझे कोई मतलब मुझे कोई मतलब रिसर्च करनी पड़ेगी क्यों नहीं लिखा, जब इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो किसी ना किसी को लिखना ही चाहिए था। मगर ऐसी कोई किताब नहीं है, जैसे मान लीजिए अद्वैत प्रकाश है अद्वैत आचार्य के ऊपर, या महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर है सब कुछ, नित्यानंद प्रभु की लीलाओं पे है काफ़ी कुछ, चैतन्य भागवत में चैतन्य ठाकुर ने लिखा है, विष्णुप्रिया जी के ऊपर किसी ने नहीं लिखा। और ये मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं लिखा, मतलब सरप्राइजिंग है कुछ, रिसर्च चाहिए, बट कुछ नहीं लिखा। बट ये चीज़ सबसे फेमस है कि विष्णुप्रिया जी का भजन कैसे था, इतना ही पता है हम लोगों को, बाकी एग्जैक्टली क्या किया उन्होंने किसी को नहीं पता। या शायद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं लिखने की, उनका भजन ऐसा था, उनकी भक्ति ऐसी थी कि कोई कि सबने सोचा कि ये तो अकल्पनीय है, इसको उनको शब्दों में रखना असंभव है, शायद इसलिए नहीं लिखा। इनफैक्ट भक्तिवेन ठाकुर लिख रहे हैं कि स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने अपने नोट्स लिखे थे, जिनको कहते हैं कड़चा, कड़चा कहते हैं, मतलब ये नहीं कहते, तो वो नहीं कहते कच तो कचड़ा नहीं कहते, कड़चा कड़चा कचड़ा नहीं है। मैं जब शुरू शुरू मैंने पढ़ा था तो मैं ही बोलता था कचड़ा, उन्होंने कचड़ा लिखा कचड़ा तो ध्यान से कड़चा, तो कड़चा लिखा उन्होंने नोट्स।
तो उसमें स्वरूप दामोदर रघुनाथ गोस्वामी ने विष्णुप्रिया को मेंशन किया ही नहीं, शी इज नॉट मेंशन्ड। तो भक्ति सन्त ठाकुर इसी को रेफरेंस देते हुए, भक्ति ठाकुर इसी को रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि अगर स्वरूप दामोदर रघुनाथ गोस्वामी ने विष्णुप्रिया जी को मेंशन नहीं किया और उनके उनके लाइफ को, उनके भजन को मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है कि उनका जो मेथड था भजन करने का वो हमारा मेथड नहीं है। हमारा मेथड है जो स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया हमें अपने नोट्स में, वो बोनाफाइड मेथड है वर्शिप का, भक्तिदास ठाकुर मेंशन कर रहे हैं। मतलब हम फॉलो करते हैं पद्धति, वो यहाँ पे करते हैं। स्वरूप रघुनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो उन्होंने मेथड बताया, कृष्ण से विरह अनुभव करना, महाप्रभु से विरह अनुभव करना, वो हमारा मेथड नहीं है। जो विष्णु प्रिया जी कर रही थी है नहीं, वो मेथड गौरांग नागरी कहते हैं, महाप्रभु से विरह अनुभव करना नहीं। हमारा मेथड है कृष्ण से विरह अनुभव करना। और गौरांग नागरियों ने फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के कई मंत्र भी बना लिए थे। हमारा मेथड है हरे कृष्ण मंत्र बोलना। तो महाप्रभु के जाने के बाद कई अपसंप्रदाय आ गई थी। एक तो गौरांग नागरी आया था जो ऐसा कह रहे थे, कुछ तो और भी अपसंप्रदाय आ रही थी, तो वो कह रही थी हरे कृष्ण मंत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैतन्य महाप्रभु का मंत्र। तो ऐसी डिबेशन आ गए और लोगों को अच्छा भी लगा, हुआ है महाप्रभु का मंत्र ज्यादा महावदनीय है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, विष्णु प्रिया जी और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो और ज्यादा अच्छा है, तो उनके उनके भी मंत्र बन गए गौरांग नागरियों के। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इसको। इनफैक्ट भक्तिनाथ ठाकुर ने खुद ने मैगजीन शुरू की थी विष्णुप्रिया पल्ली, मैगजीन शुरू की है भक्तिनाथ ठाकुर ने, और उस मैगजीन में विष्णुप्रिया पल्ली में उन्होंने काफ़ी कुछ ये सब सिद्धांत लिखे, विष्णुप्रिया कौन है, कैसे हैं, सहजों सेक्ट से कैसे अलग है विष्णुप्रिया जी। तो हम लोग क्या सीख सकते हैं विष्णुप्रिया जी से, विष्णु प्रिया जी के और भी कई नाम है, गौरांग गौरांग वल्लभ, विष्णु कैसे सौरभ भट्टाचार्य एक नाम बता रहे हैं विष्णु प्रिया जी का, क्या मैं भूल गया, विष्णु प्रिया गौरांग ईश, एग्जैक्ट नाम भूल गया, विष्णु प्रिया जो विष्णु प्रिया वो थी जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु उनके ईश थे, इष्ट थे, नाथ थे। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन है विष्णु प्रिया जी के बारे में। आज विष्णु प्रिया जी की डीटीज आप योगपीठ पे देख सकते हैं, जो भक्ति ठाकुर ने एस्टैब्लिश की टेंपल, चैतन्य महाप्रभु हैं और विष्णु प्रिया और लक्ष्मीज प्रिया, तो उन्होंने जानबूझ के वो एस्टैब्लिश की ये बताने के लिए कि वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है, वो दास्य भाव में है और भू और श्री शक्ति स्वयं महाप्रभु की सेवा करने के लिए अवतरित हुई उस अवतार, इसलिए उन्होंने वो एस्टैब्लिश किया वहाँ पर, ये मिसकंसेप्शन हटे। हरे कृष्णा, विष्णु प्रिया जी की टाइम के कुछ कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो, और इससे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं। नरेश सरकार ठाकुर के कई सॉन्ग्स हैं विष्णुप्रिया पे, वो सारे फोर्स्ड हैं, फोर्स मतलब समझते हो, झूठे झूठे साइंड है, नरेश सरकार ठाकुर ने गाए हैं वो नहीं गाए, क्योंकि नरेश सरकार ठाकुर गौरांग नागरी नहीं थे, उनके नाम पे गौरांग नागरी शुरू हुआ है ये कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट चैतन्य मंगल जो है नरेश सरकार ठाकुर के डिसाइपल थे लोचन दास ठाकुर, उन्होंने किताब लिखी चैतन्य मंगल, वेरी नाइस बुक, बट हमने प्रमोट नहीं की गौड़िया वैष्णवों ने, क्योंकि चैतन्य मंगल गौरांग नागरियों की पेट बुक है। हालांकि वो ठीक है, बट अगर हम प्रमोट करते हैं उस बुक को तो गौरांग नागरी वाले भी प्रमोट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसलिए उसको गौड़िया वैष्णव समाज ने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत को किया, ये एक रीज़न था चैतन्य मंगल को ज़्यादा प्रमोट ना करने का, ऑल द बोनाफाइड है लोचन दास ठाकुर जी ने लिखी है। हाँ वो अभी चैतन्य मंगल थी भी बहुत सारी, उसमें पता नहीं कौन जय अनंत थे, उन्होंने चैतन्य मंगल लिखी थी, जो भी चैतन्य प्रभु के लाइफ हिस्ट्री पर लगता है जब चैतन्य मंगल आम रख देते थे, तो चैतन्य मंगल अब वो तो बड़ी कंफ्यूजन थी। कुछ नहीं बस फिलॉसफी अलग है,
की है, तिलक विलक सेम चलता है सब सेम, और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं ये पहचान मतलब आपको वेलकम करेंगे, बहुत अच्छी तरह बात करेंगे, बिल्कुल रिस्पेक्ट देंगे, मतलब एज अ जेंटलमैन जनरली जो हमारे डिवोटीज होते हैं वो तो खड़ूस टाइप के होते हैं, वो ऐसे नहीं होते, पता नहीं वो पता नहीं ऐसे ही है सब। बात करने पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा, ऐसे तो आपको ज़्यादा बेटर ही लगेंगे। हो गई ये है डिवोटीज देखो, मगर एक्चुअली बात करने पता लगेगा। किसको मानते हैं वो लोग? हाँ वो तो कहते हैं हम गौरांग नागरी हैं, वो तो प्राउड है कि हम गौरांग नागरी हैं, उनको तो ये क्या कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्राउड, प्राउड कैसे कहते हैं, गर्व है कि हम गौरांग नागरी वाले हैं। हमारे आपसे अपसंप्रदाय है, गलत है। बस बंगाल में ही है प्रीचिंग, और कहाँ करेंगे, बंगाल में ही है सारे। बार टाइम नहीं मिला चैतन्य भागवत ट्रांसलेट करने के, प्रभुपाद क्या अदरवाइज प्रभुपाद होते तो चैतन्य भागवत ट्रांसलेट कर देते। मैं पहले चैतन्य चरितमृत था कि चैतन्य चरितमृत हमारी फिलोसफिकल बुक है, लॉ बुक है, फिलोसफी है ना उसके अंदर। चैतन्य भागवत में फिलोसफी नहीं है ज़्यादा, मतलब है बट एक्सप्लिसिटली नहीं है, ऐसे मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली कैसे कहेंगे, हाँ स्पष्ट रूप से नहीं है, मतलब आपको निकालनी पड़ेगी। चैतन्य में तो पूरी स्पष्ट रूप से फिलॉसफी चल रही है, और अंत्य लीला नहीं है चैतन्य भागवत में, जो कि मेन पास टाइम्स हैं, जो कि महाप्रभु हमें सिखाने ही वो आए थे जो अंत्य लीला में लव एंड सेपरेशन किया है, वो है ही नहीं। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत पहले ट्रांसलेट की, टाइम मिलता तो चैतन्य भागवत भी करते थे प्रभुपाद। भक्तिसिंह ठाकुर ने तो चैतन्य भागवत पे की है ट्रांसलेशन और कमेंट्री, प्रभुपाद टाइम होता तो प्रभुपाद कर ही देते 100%, उसमें तो कोई बात ही नहीं। ओके कुछ पूछना है, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा विष्णु प्रिया जी की जय।